हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी ऑनलाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अनदर टू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन और डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशन और एनी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी बैंकिंग एंड एसएससी एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ये आपको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज द थिंग्स विच आई एम डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू, इट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल बेस्ड न्यूज। तो जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टैटिक एज वेल एज द डायनेमिक पोर्शन। जहां तक बात है आपका इकोनॉमिक्स का, ये सब्जेक्ट बहुत ही डायनेमिक्स है और इसीलिए आपको जो भी कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसको आपको रेगुलर आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आपको उसका समझ में आ पाएगा कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सो अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली रीडर हैं, तो तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तभी आप सिस्टम को समझ पाएंगे। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़िएगा फिर उसके बाद छोड़ दीजिएगा, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक, समझने में भी डिफिकल्ट होगा, एट द सेम टाइम आपको वो पकड़ में नहीं आ पाएगा कि किस पर्पज से ये इंसिडेंट हुआ। अब जैसे अभी हम जो आर्टिकल आपके सामने अभी जो देख रहे हैं आप, कि आरबीआई का एक ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये जुलाई 2 को होने वाला है, तो ये क्यों होने वाला है, तो इसके पहले जो भी इंसिडेंट हुआ है दैट इज द उसका आज जो इफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं। तो दैट इज वाई, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको ये इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल न्यूज समझना है तो स्टैटिक नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम अगर आप डायनेमिक को उसको नहीं पकड़ कर रखेंगे तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा। सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि डेली न्यूज पेपर पढ़िए और उसमें से जो भी कोई टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होता है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या तो कुछ नोट्स हो सकता है तो प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी आई विल गिव ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम मी यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज न्यूज पेपर। आज के 30 जून 2020 का द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में ये दोनों न्यूज अगेन कॉमन है। कौन सा है तो आइए देखते हैं कौन। आरबीआई शेड्यूल्ड ऑपरेशन ट्विस्ट फॉर जुलाई 2 से 2 जुलाई को आरबीआई एक नया ऑपरेशन करने वाला है, दैट इज ऑलरेडी इसके पहले किया हुआ है बट इसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ऑपरेशन ट्विस्ट को समझ पाएंगे। नाउ ये ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है, नाउ बिफोर गोइंग डिटेल्स अबाउट द ऑपरेशन जस्ट अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट। हियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। क्यों एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, एज यू नो दिस 20 लाख करोड़ पैकेज अनाउंस्ड हुआ है। दिस 20 लाख करोड़ पैकेज ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, बट जब बात करते हैं रेवेन्यू पार्ट का तो रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं जनरेट हो पाया बिकॉज यू नो वेरी वेल लॉकडाउन काफी दिनों तक रहा जिसके चलते रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। सो वी सी दैट व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, सो गवर्नमेंट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड इन ऑर्डर टू मैनेज दिस डेफिसिट द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। अगर बोरो करता है एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अगर बोरो करता है एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो अगेन इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट, सो दैट इज अनदर हेडेक फॉर द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि वो जो बोरो करना चाहता है वो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो भी होगा थोड़ा लोअर होगा, तो दैट विल बी इजियर फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। नंबर वन, दिस इज द नंबर वन द बेसिक रीजन बिहाइंड द ऑपरेशन ट्विस्ट। सेकेंड, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको रिड्यूस करने का एक ऑपरेशन है। सो लॉन्ग टर्म जो भी कोई रेट, जैसे बैंक आपको जो लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट, दैट इज होम लोन हुआ, कार लोन हुआ एंड अदर्स लोन हुआ, जो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने कंपनीज फैक्ट्रीज में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये सब क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन, जिसका जेस्टेशन पीरियड जो बोला जाता है काफी लंबा रहता है, दैट इज आपका 10 इयर्स 20 इयर्स एंड 30 इयर्स।
इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी रिड्यूस करने का प्लान करना कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर रिड्यूस करेगा तो यहां पर क्या होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए लॉन्ग टर्म में अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज गोइंग टू बूस्ट द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कमेगा तो डिमांड ऑफ लोन विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, एंड व्हेन द डिमांड ऑफ लोन विल इंक्रीज द मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, एंड व्हेन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी सो देन आपका डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बढ़ेगा, एंड जिसके चलते फिर आपका ग्रोथ इकोनॉमी में दिखाई देगा। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, जिसको हम लोग जीडीपी बोल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द बेसिकली टू रीजन फॉर द ऑपरेशन टू इज। नंबर वन इज दैट कि गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है उसको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम करना है। नाउ अब आप समझने की कोशिश कीजिए एक चीज, एक ये होता है कि गवर्नमेंट का जो बात हो रहा है यहां पर बॉन्ड का बात हो रहा है, तो बॉन्ड में ऑलवेज याद रखिएगा बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो ऑलवेजली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड्स होता है। अब आप पूछिएगा यील्ड्स क्या है सर, तो पहले इसको समझिए कि बॉन्ड का प्राइस क्या, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बॉन्ड को उसको 100 रुपीज में सेल कर रहा है तो उसको वो 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू बोला जाता है। तो 100 रुपीज सेल करने का मतलब क्या, गवर्नमेंट 100 रुपीज का बॉन्ड दे रहा है एट द रेट ऑफ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो सपोज कीजिए मिस्टर ए वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो उसका क्या है कि 100 रुपया में परचेस करेगा, 7% के पर एनम करके आपको 10 ईयर्स तक का मिलेगा। सो ये जो 7% है इसको बोलते हैं कूपन, बोलते हैं इसको कूपन बोलिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलिए, बट बॉन्ड के टर्मिनोलॉजी में हम इसको कूपन बोलते हैं। और आफ्टर 10 ईयर्स जो मैच्योरिटी के बाद जो उसको मिलेगा दैट इज इसको बोला जाता है यील्ड्स। तो एक फेस वैल्यू, दूसरा है आपका कूपन, और तीसरा जो मैच्योरिटी के बाद होगा वो यील्ड्स बोले। तो मैंने आपको क्या बोला, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो यील्ड गिरेगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो यील्ड इंक्रीज होगा। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी आपको समझाने में वो चीज जरूरी लगेगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब आइए कि क्या होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट आने से पहले थोड़ा सा, अच्छा उसके पहले हम आपको ऑपरेशन ट्विस्ट समझा ही देते क्या है। यहां पर क्या बेसिकली बात किया जा रहा है, ट्विस्ट का मतलब क्या किया जा रहा है, मतलब एक तरह से लेना और दूसरे तरफ से देना, ए काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि दोनों चीज हो रहा है एक इधर से एक उधर से, तो ट्विस्ट समथिंग एक टर्न, एक इधर से एक उधर से, तो ट्विस्ट कर रहे हैं। तो क्या ट्विस्ट कर रहे हैं, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकेंडरी मार्केट से दैट इज कॉल्ड द ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए ये बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर रहा है। बाइंग एंड सेलिंग याद रखिएगा ये सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसका भी हम समझाएंगे आपको, बट पहले ये समझिए कि क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों क्या हो रहा है, यहां पर 10,000 करोड़ का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, बाई भी होगा सेल भी होगा, याद रखिएगा दोनों हो रहा है, एक हो रहा है बाई हो रहा है और एक हो रहा है सेल हो रहा है। नाउ बाई यहां पर क्या करने को बोला जा रहा है, बाई करेगा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक बॉन्ड परचेस करेगा लॉन्ग टर्म, बाई करेगा, ठीक, और सेल क्या करेगा, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। तो कितना बाई करेगा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, 10,000 करोड़, कितना बाई सेल करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड, 10,000 करोड़। तो क्या कर रहा है ट्विस्ट, देखिए क्या हो रहा है, एक बाई कर रहा है एक सेल कर रहा है, ऑल टुगेदर यस बाई कर रहा है 10,000, सेल कर रहा है 10,000, तो एक तरफ से देना एक तरफ से लेना, तो ऑल टुगेदर आप देखिएगा इकोनॉमी में बाइंग एंड सेलिंग दोनों 10,000 का हो रहा है, एक बाइंग हो रहा है एक सेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लिक्विडिटी पोजिशन है इकोनॉमी में
जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो सेम रह रहा है, ना लिक्विडिटी इंक्रीज हो रहा है ना लिक्विडिटी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज हम बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो ऑल टुगेदर 10,000 का इधर भी है, इधर भी 10,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी का पोजीशन सेम है, बट हमको क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझनी इसमें क्या बोल, कैसे इसको रेगुलेट किया जा रहा है। जब हम बाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड हम बाई कर रहे हैं, सो व्हाट डज इट मीन, 10,000 करोड़ का हम बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड का जो प्राइस है, बिकॉज आई एम बाइंग 10,000 करोड़, व्हाट डज इट मीन, आई एम क्रिएटिंग डिमांड ऑफ द बॉन्ड, डिमांड ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। मैंने आपको क्या बोला कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड रिजर्व बैंक बाई करेगा, ऑपरेशन ट्विस्ट में लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाई करेगा 10,000। जब आप 10,000 करोड़ ह्यूज अमाउंट में जब बाई करते हो, सो अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग डिमांड, एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग डिमांड, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई, इज दैट कि जब किसी का डिमांड अगर ज्यादा होता है तो अल्टीमेट क्या होता है, उसका प्राइस इंक्रीज कर जाता है। यही जानते हैं हम लोग, जब किसी का डिमांड ज्यादा होगा तो उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। ना अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड। तो अगर किसी का प्राइस, अगर यहां पर बॉन्ड का प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो यील्ड क्या होगा, यील्ड डिक्रीज कर जाएगा। यील्ड को क्या हमने बोला था, याद है आपको, कि अगर वो 100 रुपया फेस वैल्यू था, 7% उसका कूपन रेट था, यील्ड क्या होगा आपका 10 साल के बाद जो उसका पैसा मिलेगा, तो वो, तो अब यहां पर नोटिस कीजिएगा कि 10 ईयर्स के बाद में वो जो यील्ड है वो 7% के हिसाब से नहीं मिलेगा, उसका जो ये प्राइस है वो गिरकर आपका 7% के नीचे चला आएगा। इसका मतलब क्या है, यील्ड बेसिकली बताता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको मिलता है 10 साल के बाद, तो उसका प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। जब उसका प्राइस गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम जाएगा। तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज करेगा, तो ये 7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यील्ड है वो प्राइस नीचे की तरह चला आएगा। तो दैट इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल की ये ऑपरेशन ट्विस्ट करने का मतलब, कि बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा, बॉन्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेज होगा, इसके चलते डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो उसका यील्ड कम जाएगा। और गवर्नमेंट का जो बॉन्ड का जो यील्ड होता है वो उसको स्टैंडर्ड पकड़ा जाता है। मतलब अगर बैंक अगर लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट दे रहा है, लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म, बैंक का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या होगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो यील्ड रेट होगा लॉन्ग टर्म, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अगर यील्ड कमेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का भी कमेगा, बिकॉज हमने क्या बोला, इसको स्टैंडर्ड पकड़ा जाता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो यील्ड होता है उसको स्टैंडर्ड पकड़ा जाता है। तो यील्ड अगर नीचे गिरेगा तो आपका लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नीचे गिरेगा। सो पहला आपको क्या बोला गया कि द बेसिक प्रिंसिपल जो किया गया था कि लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म कम होगा तो होम लोन सस्ता होगा, होम लोन सस्ता होगा तो होम लोन का डिमांड होगा, डिमांड होने से फिर क्या होगा, होम लोन का ज्यादा लोग लेंगे तो फिर ज्यादा फ्लैट बनेगा, ज्यादा फ्लैट बनेगा तो ज्यादा सीमेंट स्टील ब्रिक इसका का ये सब का सेलिंग बढ़ेगा, और सेलिंग बढ़ेगा तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर फाइनली ग्रोथ इन द इकोनॉमी होगा। एक तो ये पर्पस फुलफिल हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, पहला आपका कि गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए सब समय गवर्नमेंट कोशिश करता है, गवर्नमेंट सब समय कोशिश करता है आपका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम मिले। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, कौन सा कम मिले, गवर्नमेंट जब बोरो करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करेगा। तो अब जैसे गवर्नमेंट में अभी जैसे आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया, तो उसके चलते क्या हुआ, देखा गया कि यील्ड कम गया। तो यील्ड कम गया मतलब नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट बोरो करने के लिए मार्केट में जाएगा तो उसका जो यील्ड है वो ऑलरेडी कमा हुआ है। तो मतलब पहले जो गवर्नमेंट 7% पर पहले बोरो करता था, अभी आज के डेट में जो यील्ड मार्केट में चल रहा है 6 point something जो भी कुछ चलेगा, तो नाउ गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम 6% इंस्टेड ऑफ 7%। सो दैट विल बी इजियर फॉर द गवर्नमेंट, 1% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाएगा। सो गवर्नमेंट को बोरो क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रेवेन्यू उस तरीके से नहीं जनरेट हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द कोशिश है रिजर्व बैंक का कि गवर्नमेंट को बोरोइंग में हेल्प कर पाए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का कम एक्सपेंडिचर हो पाए। गेटिंग मी और नॉट? सो एक तो ये फायदा हुआ, गवर्नमेंट को बोरोइंग में हेल्प करेगा, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपका लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द कमर्शियल बैंक उसको रिड्यूस होने से इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता है, 10,000 करोड़, इसके पहले आपका दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ का आपका ऑलरेडी कर चुका है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो इट इज टाइम एंड अगेन
बार 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 करते 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 अभी जो 7% देख रहे हैं, 7-8% गिर के 6% से गिर कर और थोड़ा कम करेगा तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमेगा और गवर्नमेंट क्या करेगा जब नेक्स्ट टाइम बोरो करेगा तो उसको। अब बात करते हैं आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, आपका ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में ये आपको थोड़ा बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस का फेडरल रिजर्व है। ये सबसे पहले यूज किया गया था ऑपरेशन ट्विस्ट, किस कारण से किया गया था, इन्फ्लुएंस प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करना। जैसे हमने पहले आपको बोला कि बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है उसको रेगुलेट करना इन द मार्केट। टूल इसेंशियल एम टू चेंजिंग द शेप ऑफ द यील्ड, यील्ड मैंने जो आपको समझाया कि जो मैच्योरिटी है जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको थोड़ा कम करने के लिए, सिमिलरली बाइंग एंड सेलिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, 2 जुलाई को 10,000 करोड़ का ये करने वाला है ओपन मार्केट ऑपरेशन करने वाला है। उसमें क्या है, आरबीआई विल परचेज लॉन्गर टर्म टेन्योर बॉन्ड, जो कि आपका मैच्योर्ड होने, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, 2027 मैच्योर्ड होगा 2029 में, 2031 में एंड 2033 में, दैट इज द लॉन्ग टर्म बॉन्ड को ये क्या करेगा, ये परचेज करेगा। एंड सेलिंग आवर सिक्योरिटी शॉर्टर मैच्योरिटी, शॉर्टर मैच्योरिटी का कौन सा, जो कि इस साल टू मैच्योरिटी जो इस साल ही शॉर्ट होने वाला है, मतलब इस साल ही मैच्योर्ड होने वाला है, और दो है आपका जो नेक्स्ट ईयर मैच्योर्ड होने वाला है। टोटल चार को यहाँ पर सेल करेगा और यहाँ पर बाद बाकी यहाँ पर चार को परचेस करेगा, कितना, चार को सेल करेगा वो 10,000 और परचेस करेगा 10,000। ऑल टुगेदर आपका जो लिक्विडिटी पोजीशन इन द इकोनॉमी में है वो आपका सेम रहेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट इज प्राइमरली एम टू मैनेजिंग यील्ड्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि इसको यील्ड को मैनेज करने के लिए बेसिकली किया जाता है। नाउ कम्स टू द ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट द बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मनी मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है जानबूझकर करता है, इंटेंशनली करता है, डायरेक्ट एंड डिलीबरेट बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मनी मार्केट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली हमने आपको मार्केट से क्या क्या बाई भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पर इसको साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है ये। और ओपन मार्केट ऑपरेशन का बात बताए तो ये एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब ये फॉर ऑपरेशन ट्विस्ट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइमल्टेनियसली किया है, बट एट द ये ऑपरेशन, अगर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का बात किया जाए तो ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन का बात होता है, जब कि जब व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी वी एक्सपेक्ट दैट कि देयर इज अ मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में, अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करेगा, यहाँ पर आपका बॉन्ड को सेल करेगा। तो बॉन्ड सेल करेगा तो मेरे पास सपोज कीजिए कि बैंक के, सपोज कीजिए बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक से क्या करेगा, ये पैसा ले लेगा, अब बैंक को क्या करेगा, ये बॉन्ड सेल कर देगा। तो बॉन्ड सेल करेगा गवर्नमेंट, ये बैंक के पास क्या हो जाएगा कि पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाने से बैंक में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम जाएगा, मनी सप्लाई कम जाने से बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सो इन्फ्लेशन कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया, जिसके चलते क्या होगा कि आपका डिमांड ऑफ मनी विल डिक्रीज एट द सेम टाइम, जब डिमांड कमेगा तो उसका प्राइस कम जाएगा। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एंड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन वाइस वर्सा ये आपका करता है, सो दैट इज कॉल्ड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ द सेकेंड आर्टिकल विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ ये आपने सुना होगा आईबीसी का नाम आपने सुना होगा, आईबीसी वॉज केम इन आवर कंट्री इन द ईयर 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आया था। नाउ ये आर्टिकल समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं, आर्टिकल है क्या, आर्टिकल का बेसिकली ये बताया गया है कि एमएसएमई जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, नाउ दे आर फेसिंग द बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी में अपना लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है। एक तो पहले लॉकडाउन का सिचुएशन जिसमें बहुत सारे एमएसएमई क्लोज करना पड़ा, और दूसरा बात है कि इनका जो लिक्विडिटी है, जो मनी सप्लाई है वो बैंक से आता है, तो वहां से भी बैंक से इन लोगों को मनी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो नंबर वन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर से आपका इनका लोन नहीं मिल पा रहा है, तो एक यहाँ पर इनका लिक्विडिटी से हो रहा है। और दूसरा क्या है, इनका जो एमएसएमई है सो इनका जो बिजनेस, सपोज कीजिए एक एग्जांपल पकड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इज ए वेरी बिग कंपनी,
एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो टाटा मोटर्स क्या करता है कि ये जो भी कुछ व्हीकल वगैरह बनाता है, तो इसका जितना भी सारा आपका पार्ट्स वगैरह होता है, जितना भी आपका यूज होता है, जितना भी पार्ट्स, तो ये सब क्या करता है, छोटे छोटे जो कंपनीज है एमएसएमई, इनको सप्लाई करते हैं। अब ये क्या किए कि इनको जो गुड्स व रॉ मटेरियल जो भी कुछ इनको सप्लाई किए टाटा मोटर्स को, तो ये जो भी पैसा गुड्स सप्लाई किए तो टाटा मोटर्स को इनको पेमेंट करना था। तो देखा गया क्या कि टाटा मोटर्स का बहुत सारा जो अमाउंट है वो ड्यू पड़ा हुआ है इन लोगों का, एमएसएमई का जो पैसा था वो टाटा मोटर्स ने क्लियर नहीं किया हुआ है। तो जिसके चलते क्या हो रहा कि ये टाटा मोटर्स का व्हीकल सेल नहीं हो पाया, और इसके चलते क्या हुआ, एमएसएमई का पेमेंट रोक दिया, क्योंकि एमएसएमई जो भी गुड्स का ये लोग सप्लाई किया था टाटा मोटर्स का। इसके चलते क्या हो रहा है कि एक तो इनका ड्यू अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्लस ऊपर से बैंक से लोन का फैसिलिटी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो ये आर्टिकल बेसिकली आपको यहां पर बता रहा है कि ओवर 3 लाख करोड़ ड्यू है आईबीसी, 3 लाख करोड़ ड्यू आईबीसी चेंजेस एड टू एमएसएमई लिक्विडिटी जोन। अब इस आर्टिकल में बोला गया था क्या, बोला गया क्या क्या कि 24 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन लेकर आया, किसमें आईबीसी में एक अमेंडमेंट करके लेकर आया कि जो भी कोई कंपनी का 1 लाख ड्यू रहता था, सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है एमएसएमई कोई कंपनी है, उसका सपोज कीजिए कि 5 लाख रुपीज ड्यू है, किससे ड्यू है, एक मान लीजिए टाटा मोटर से ही ड्यू है, तो अगर उसको टाटा मोटर्स टाइमली उसको पेमेंट नहीं कर रहा है 5 लाख, तो ये एमएसएमई कंपनी क्या करेगा, तो इसको पकड़ कर लेकर आएगा एनसीएलटी में, जिसको बोला था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर में इसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और टाटा मोटर्स को फिर उसके बाद उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ ये आपका प्रावधान था इसमें कि 1 लाख तक का अगर पेंडिंग है तो उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आप ला सकते हैं, लेकिन 24 2020 को गवर्नमेंट ने क्या किया, ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 1 लाख की, अगर 1 लाख ड्यू है तो वो बुला सकता है, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 100% बढ़ाकर कर दिया 1 करोड़, कि अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ के ऊपर ड्यू है तभी उसको एनसीएलटी में बुला सकता है, अदरवाइज वो नहीं बुला सकता। सपोज कीजिए कि किसी का 50 लाख ड्यू है तो फिर वो नहीं बुला सकता एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। तो यहां पर आपको समझना जरूरी है, ये बेसिकली यहां पर इशू क्रिएट हो रहा है एमएसएमई को। नाउ फिर अगेन आपको उतना आपका डिटेल्स में जाने से पहले बेसिक समझिए कि आईबीसी क्या, कब, ये क्यों, क्या कंसेप्ट से स्टार्ट हुआ। 2016 के प्रायर में वी डू नॉट हैव एनी सच काइंड ऑफ लॉ, जो कि हमारा जितना भी सारा कंपनी है उस कंपनी को जो भी कुछ पैसा का जो रिकवरी होता था वो सही से हो पाए। से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ने एक क्वेश्चन रेस किया था, इसको बोलता है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम एक इशू किया था, मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है, जैसे हमने पकड़ लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, और एक मान लीजिए यहाँ पर टाटा मोटर्स ही पकड़ लीजिए, एक यहाँ पर टाटा मोटर्स ही पकड़ लीजिए, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा मोटर्स को लोन दिया, और टाटा मोटर्स को मान लीजिए यहाँ पर 1 करोड़ लोन दिया, टाटा मोटर्स लोन लेकर व्हीकल बनाया, बट देखा गया कि टाटा मोटर्स का व्हीकल नहीं चल पाया, और इसके चलते क्या हुआ कि ये जो डिफॉल्ट जो ये क्या था पेमेंट, ये डिफॉल्ट कर गया। नाउ अब टाटा मोटर्स का व्हीकल नहीं सेल हो गया, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब टाटा मोटर्स जो बैलेंस शीट अपना बना रहा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है लॉस, क्योंकि उसका व्हीकल सेल नहीं हो पाया। अब ये 1 करोड़ रुपीज किससे लिया था, स्टेट बैंक से लिया था, तो अब स्टेट बैंक जब अपना बैलेंस शीट जब बना रहा है, तो यहां पर अपना दिखा रहा है कि एनपीए हो गया, क्योंकि उसने टाटा मोटर्स को दिया था, तो ये भी हो गया लॉस। तो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम का मतलब है कि टाटा मोटर्स का भी बैलेंस शीट, मतलब कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट खराब हो गया, प्लस यहाँ पर बैंकिंग का भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी बैलेंस शीट खराब हो गया। तो यही बोला गया था ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में एक नया लॉ लेकर आया, जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या है कि अगर 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 टाटा मोटर्स ने अगर इसका पैसा रिटर्न नहीं किया स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक क्या करेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के पास जाएगा, और वहां पर एक कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि स्पीडी ट्रायल करेगा, और इसको 180 डेज में उसका जो भी कुछ है उसका जजमेंट दे देगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला आया आपका इस एनसीएलटी के पास कि भाई मेरा टाटा मोटर्स मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अब एनसीएलटी टाटा मोटर्स को खबर लेगा क्यों नहीं पैसा दे रहे हो, या तो पैसा दो, नहीं तो उसका जो भी कुछ अपना एसेट जो भी अपना संपत्ति कंपनी है बेचकर स्टेट बैंक को पैसा दो,
इसी के चलते क्या देखा जाता है कि बहुत सारे स्पीडी ट्रायल होने से क्या हुआ कि टाटा मोटर्स ने क्या किया, अपना एसेट बेचा और बैंक को पैसा दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये इसको बेचने ये क्या हुआ बेचने से कि टाटा मोटर्स का यहाँ पर जो भी स्टेट बैंक का जो पैसा फंसा था वो अपना पैसा फिर से मिल गया, और वो फिर पैसा अब क्या करेगा, मनी को मार्केट में मोबिलाइज कर पाएगा, दूसरे को लोन दे पाएगा। और यहाँ पर टाटा मोटर्स सपोज किया गया वो बेच रहा है, तो वो बेच दिया किसी दूसरे को, बेच दिया किसी दूसरे ने परचेस कर लिया, तो वो कंपनी फिर से वो रन कर सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है आईबीसी लाने का कि मतलब दोनों बैंक को भी बचाना है और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बचाना है। तो दैट इज व्हाट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब यहाँ पर एमएसएमई का पैसा जो पड़ा हुआ है वो ड्यू पड़ा हुआ है। अब ये लोग क्या है कि इन लोग का पैसा 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ये लोग ड्यू पड़ा है बड़ा बड़ा कंपनी के पास। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग के पास एक ऑप्शन था कि चलो अगर तुम मेरा पैसा नहीं देगा तो हम तुमको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास लाएंगे। और ये देखा गया है कि सिर्फ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच करने से ही बहुत सारे कंपनी पैसा रिटर्न भी कर देता था। इसके चलते देखा जा रहा है क्या कि ये कंपनियां बोल रही है कि हम लोग का स्थिति ठीक नहीं, अभी हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो 1 करोड़ के नीचे का कोई भी सुनवाई एनसीएलटी में नहीं हो पाएगा, जो कि पहले क्या होता था ये मैटर एनसीएलटी में जाता था और वहां पर अच्छा से आपका रिजोल्यूशन पास होता था और देन ये जो पैसा वगैरह जो ड्यू है एमएसएमई को पैसा मिल जाता था। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग कि गवर्नमेंट को लिक्विडिटी वोज मतलब क्या है कि एमएसएमई का ये गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट जो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है, जिसके चलते एमएसएमई को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और ये देखा गया एक सर्वे में कि 3 लाख करोड़ ऑफ ड्यूज पड़ा हुआ है एमएसएमई का बड़े बड़े कंपनियों के पास, जो कि कंपनियों के पास ये गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने का कारण एक ही मात्र है क्योंकि ये कंपनियां भी बहुत लॉसेस में जा रही थी और ये अगर अगर ये 1 लाख के नीचे थकता तो इनको बहुत ही कहीं से बंद करके सेल करके फिर उसको पैसा रिटर्न करना पड़ता था। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है कि बड़ी कंपनी को भी देखना है और छोटे कंपनी को भी देखना है। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द आर्टिकल में आपको बोला जा रहा है कि दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। नाउ अब इसमें आपको समझने की जरूरत है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है। ऑलरेडी आई आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इन 2016 में एक्ट लाया गया था इंसॉल्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि हाथ खड़ा कर दो मेरे पास पैसा नहीं है। जहां तक बैंकरप्सी का बात है इसका जब भी फाइनल जो कोर्ट में जाएगा ट्रायल होगा जितना भी कुछ होगा तो दैट इज कॉल्ड द बैंकरप्सी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके अंडर में आता है जो कि कंपनी के केसेस को देखेगा और इंडिविजुअल अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो दैट इज अ डेब्ट रिकवरी ट्रायल में देखेगा। यहाँ पर बोला गया कि ये स्पीडी ट्रायल को बहुत ही जल्दी स्पीडी ट्रायल देता है बिकॉज इसके पहले जो देखा गया है कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आपका सरफासी एक्ट बा जितना भी सारा प्रीवियस जितना भी सारा कोर्ट वगैरह लोक अदालत था इतना स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ था जितना आईबीसी आने के बाद अच्छा ट्रायल हुआ और उसके बाद बैंकों को जो भी क्रेडिटर उनको पैसा रिटर्न मिल गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों बहुत जरूरी जानना है आपको एमएसएमई का, इस बार आपके आपका लॉकडाउन में ही गवर्नमेंट ने आपका एमएसएमई का डिफिनेशन चेंज कर दिया है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन वेदर यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन। तो क्या डिफिनेशन में बेसिक चेंज हुआ एक बार देख लीजिए। आपको पहले क्या डिफिनेशन हुआ करता था कि एमएसएमई का सिर्फ इन्वेस्टमेंट वॉज द क्राइटेरिया, कि अगर माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं, और इसमें भी दो डिवीजन था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो कौन है और सर्विस सेक्टर में माइक्रो कौन है। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब अलग से कुछ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का डिफाइन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ मर्ज करके अभी नया डिफिनेशन कर दिया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का। और पहले जो होता था डिफिनेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर होता था, अब इन्वेस्टमेंट तो है ही है प्लस उसके साथ एक नया जो ऐड किया है ये टर्नओवर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नया जो क्या स्कीम इसमें ऐड किया गया है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर ऐड किया गया था। अमाउंट ये जो भी सारा चीज है जो अमाउंट 25 लाख 10 लाख इसको पूरा का पूरा चेंज करके बोल दिया गया इन्वेस्टमेंट इन द माइक्रो कंपनी 1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन द स्मॉल कंपनी 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन द मीडियम कंपनी 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़। ना अलग से लिए कोई मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है, ना अलग से सर्विसेज कंपनी के लिए। पहले यहां पर क्या होता था अलग से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए था इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, फिर अलग से सर्विसेज कंपनी के था इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब गवर्नमेंट ने ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को एक साथ मर्ज करके एक में ला दिया और जो इन्वेस्टमेंट था उसके साथ एक नया टर्नओवर आ दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्नओवर सबका कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है। तो दैट इज द न्यू डिफिनेशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द न्यूज पेपर
व्हाई इट इज केम इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग दिस। सो होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, एंड हो सके तो दूसरे को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको फॉरवर्ड करना ही है और ये आपको शेयर करना है या लाइक करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे और ज्यादा भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं और नए नए कंसेप्ट को लेकर आपके साथ लेकर आऊं। आशा करते हैं कि आप लोग भी घर पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे और इसी तरीके से रेगुलर आप होगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत हो पाएगा इन फ्यूचर में जो भी कुछ है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्रीवियस में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वहां पर ऑलरेडी ये सब टर्म्स मैंने एक एक टर्म करके आपको एक्सप्लेन करके। सो थैंक यू वेरी मच टू पेशेंस लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।